Hey guys, welcome back to my channel and you're watching Pregnancy and Baby Care. मेरा बच्चा कब से चलना स्टार्ट करेगा? जब हम फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं, हम अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि यार जल्दी से मेरा बच्चा चलने लगे, दौड़ता हुआ मेरे पास आए. मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है हम लोग को कि हमारा बच्चा जल्दी से चलने लगे. लेकिन उसका क्या प्रॉपर टाइम होता है, मतलब क्या गाइडलाइन है WHO की, जिससे हम ये जान सकते हैं कि यस हमारा बच्चा अगर अभी तक नहीं चल रहा है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. या फिर अगर उस टाइम पीरियड से आगे हो गया है और बच्चा नहीं चल रहा है, देन यस आपको उस समय पर डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत भी है. तो ये छोटी छोटी सी बातें और कुछ जानकारी कि हमारा बच्चा कब से चलना स्टार्ट करेगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में. और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी बच्ची ने कब से चलना स्टार्ट किया. मेरी बच्ची अभी 14 मंथ्स की हो चुकी है, तो सब कुछ डिटेल में शेयर करेंगे वीडियो में. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमें समझनी है कि बच्चे एकदम से ही चलना स्टार्ट नहीं कर देते हैं. उसके पहले की बहुत सारी स्टेजेस हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे बच्चे ने कौन कौन से माइलस्टोन्स अपने किस किस समय पर अचीव किए हैं, जिससे हम थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा किस समय से चलना स्टार्ट कर सकता है. बच्चा जो भी चीज़ जैसे क्रॉल होना सीखता है, रोल ओवर करना सीखता है, सेटअप होना सीखता है, तो ये सब क्या है, छोटे छोटे से माइलस्टोन्स हैं बच्चे की लाइफ में. वो जब इनको अचीव करता है तो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को मिलती है, बच्चे को एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है कि यस अब तो मैं बैठने लगा, यस अब तो मैं क्रॉल करने लगा. तो बच्चा जैसे क्रॉल करना स्टार्ट करेगा, आप देखोगे बच्चा यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, मतलब फिर वो रुकने के मूड में कहीं नहीं होता है. तो ये बच्चे के जब माइलस्टोन्स अचीव होते हैं तो बच्चा एक अलग ही एक्साइटमेंट में होता है, पेरेंट्स एक अलग एक्साइटमेंट में होते हैं. तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से माइलस्टोन्स बच्चा अचीव करता है जब वो फाइनली वॉकिंग पर आता है, क्योंकि वॉकिंग अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन है. क्योंकि अब बच्चे को अपना पूरा बॉडी वेट अपने पैरों के ऊपर लेना है, तो इसको अचीव करने के लिए भाई थोड़ी सी स्ट्रेंथ और एनकरेजमेंट सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी बच्चा ये फाइनल अपना वॉकिंग वाला माइलस्टोन अचीव कर पाता है. तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है, भाई बच्चा पड़ा हुआ है, बच्चा लेटा हुआ है, बस वो लेटा ही रहता है, केवल उसकी आईज इधर से उधर घूमती हैं, वो देखता है कि कहाँ है मम्मा, इधर इधर, केवल इतना ही है ना. फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, तो जब बच्चा 3 से 4 महीने के बीच में होता है तो बच्चा रोल ओवर करना स्टार्ट कर देता है. रोल ओवर क्या, हल्की सी टर्न लेना स्टार्ट किया, कभी इधर घूम गया, कभी इधर घूम गया, तो ऐसे रोल ओवर करना स्टार्ट करता है. फिर कई बार नीचे से खिसक खिसक कर बैठ के चारों तरफ जाने लग जाता है. तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, रोल ओवर में आती हैं. और ये बच्चा अराउंड 3 to 4 मंथ पर स्टार्ट कर देता है और लगभग 5-6 महीने तक करता है. मेरी बच्ची तो मेरे को याद है अच्छे से, अभी 6 महीने तक इस तरह से वो रोल ओवर करती थी. तो बच्चा फिर 5 to 6 मंथ की एज में ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा बैठने लग जाता है और 7-6 से 8 महीने के बीच में बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठ जाता है. मीन्स अगर आपने उसे बैठा दिया तो वो गिरेगा नहीं. 5 से 6 महीने में क्या होता है कि बच्चे को आप सहारा देकर बैठा रहे हो, तो बच्चा धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करता है. फिर 7 से 8 महीने में वो इंडिपेंडेंटली बैठने लग जाता है. मीन्स आपने बच्चे को कहीं बैठाया, आपने उसके आगे टॉयज डाल दिए, वो खेल रहा है, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर बच्चे की स्टेज आती है क्रॉलिंग की. तो हम बच्चे को क्रॉलिंग कैसे सिखाएं, आप कुछ टॉयज लो, थोड़ी दूर पे उससे रख दो, ताकि अब उसे पकड़ना है तो थोड़ा सा गिरेगा, पीछे गिरेगी, आगे गिरेगी, साइड में गिरेगा बच्चा, और फिर फाइनली उस टॉय तक पहुंच जाएगा. तो मतलब वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो आगे जाने की कोशिश करेगा. तो इसी तरह से बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट करेगा. तो अराउंड 8 से 10 महीने के बीच में बच्चा आराम से क्रॉल करता है. फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे खड़े होना स्टार्ट करता है. मीन्स कैसे खड़ा होगा, आपने बच्चे को कोई चीज़ उसने ली, उसको पकड़ा और वो खड़ा हो गया, फिर बच्चा गिर गया एकदम से, फिर खड़ा हुआ, फिर गिर गया. तो मतलब ये क्या स्टेज होती है बच्चे के स्टैंड अप होने की, कि आपने कोई चीज़ उसको पकड़ा दिया या उसको खड़ा कर दिया तो वो पकड़ के खड़ा हुआ है. तो ये स्टेज ऑलमोस्ट होती है बच्चे की 10 से 11 महीने के बीच में,
कि बच्चा इस तरह से करना स्टार्ट कर देता है, कुछ महीने, कुछ बच्चे 12 महीने तक भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे क्रूजिंग करना स्टार्ट करता है। क्रूजिंग क्या होता है, जैसे बच्चे ने बैट पकड़ा, फिर उसको पकड़ के वो धीरे धीरे इधर से उधर मूव कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है। तो इस तरह से बच्चा ये क्रूजिंग स्टेज करता है। और जैसे ही बच्चा क्रूजिंग करने लगता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि जैसे ही बच्चे ने क्रूजिंग करना स्टार्ट किया, तो बच्चा बहुत ही जल्दी से वॉक करना भी स्टार्ट कर देता है। तो मेरी बच्ची ने जो क्रूजिंग करना स्टार्ट किया था, वो मुझे अच्छे से याद है 11 से 12 महीने के बीच में करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इंडिपेंडेंटली वॉकिंग उसने इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं की थी। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बच्चे का वॉकिंग का टाइम होता क्या है। 10 महीने से लेकर 16 महीने के बीच में बच्चा कभी भी वॉक करना स्टार्ट कर सकता है। कुछ पेरेंट्स के बच्चे भाई 10 महीने या 11 महीने में भी इंडिपेंडेंटली वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत बच्चों को देखा भी होगा कि फर्स्ट बर्थडे पर बच्चा अपना खुद चल कर जा रहा है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ बच्चे 14 से 16 महीने के बीच में भी वॉक करना स्टार्ट करते हैं, इवन कुछ बच्चे 15 महीने पर चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि हर बच्चा डिफरेंट है। ये जो एक लंबा सा टाइम पीरियड बनाया गया है, ये गाइडलाइन है जो WHO की साइड से बनी हुई है, और इस गाइडलाइन को यही माइंड में रखते हुए बनाया गया है कि हर बच्चा अलग है। अगर बच्चा 10 महीने पे चलना स्टार्ट कर रहा है, देन वेरी वेल डन। लेकिन अगर बच्चा 14 से 16 महीने पे भी चल रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि एटलीस्ट उस गाइडलाइन के अंदर आपके बच्चे ने चलना स्टार्ट कर दिया है। बहुत लोग आपसे पूछेंगे, अरे तेरा बच्चा चल नहीं रहा, उसका बच्चा तो दौड़ने लगा है। ठीक है यार, दौड़ने दो, नो प्रॉब्लम। आपको जहाँ आपने कंपेरिजन करना स्टार्ट किया दूसरे बच्चे से, वहाँ आप टेंशन में आ जाओगे, फिर वो टेंशन फ्रस्ट्रेशन आपके बच्चे पर निकलेगी, बच्चे के वो माइलस्टोन्स और डिले हो जाएंगे। तो वो गलती आप कभी मत कीजिए। मेरे को याद है कि मेरी बच्ची ने जब चलना स्टार्ट किया, तो वो 14 मंथ्स की कंप्लीट हुई थी। अच्छे से याद है, उसी दिन वो 14 मंथ की कंप्लीट हुई थी, उस दिन उसने इंडिपेंडेंटली चलना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो अपने आप खड़ी हुई, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगी। मतलब बहुत ही प्यारा सा दिन है वो मेरे लिए, बहुत ही खुशी मिलती है मुझे। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, मतलब उसके पहले एक दो दिन पहले से उसने थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया था, फिर तीसरे दिन मैंने ये रिकॉर्ड किया। जब वो पूरी 14 महीने की हो गई थी, तो तब उसने इंडिपेंडेंटली इस तरह से वॉक करना स्टार्ट कर दिया। हमने उसे किस तरह से एनकरेज किया वॉक करने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को भी एनकरेजमेंट मिले। मेरे इसके मतलब मेरी बेटी के साथ के और भी बच्चे थे, कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने थोड़ा जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया था, मीन्स अराउंड 12 to 13 मंथ्स में, और कुछ जो इसके साथ के बच्चे हैं, उन्होंने 14 मंथ्स के बाद भी चलना स्टार्ट किया है। तो मतलब आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार उसका बच्चा तो अभी चलने लगा है, मेरी बच्ची तो चल ही नहीं पा रही है। सो डोंट वरी गाइस, अभी वो क्रॉल कर रही है, तो आप उसको भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि जहाँ एक बार उसने चलना स्टार्ट किया ना, फिर वो क्रॉल नहीं करेगी। जहाँ एक बार उसने क्रॉल करना स्टार्ट किया, तो वो बैठ ही नहीं रहेगी। तो मतलब ये जो स्टेजेस होती है ना बच्चे की, इन सभी स्टेजेस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं लौट कर आएंगे। सो एंजॉय एवरी मूवमेंट्स ऑफ योर बेबी, हर उसके माइलस्टोन अचीव करने को सेलिब्रेट कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए। जैसे ही बच्चा चलता है, स्टैंड अप होता है, यस 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 यू कैन डू इट, क्लैप कीजिए, ताकि उसको और एनकरेजमेंट मिले। फिर बच्चा वो सब एक्टिविटीज करता है, रिपीट करता है, और बच्चा इंडिपेंडेंटली 10 से 16 महीने के बीच में चलना स्टार्ट कर देता है। कुछ बच्चे 15 महीने पे भी चलते हैं, कुछ 16 पे भी चलते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे 10 से 16 महीने के बीच में नहीं चल रहे हैं, मीन्स 16 महीने हो गए अभी तक बच्चे ने क्रूजिंग करना भी स्टार्ट नहीं किया, स्टैंडिंग करना भी स्टार्ट नहीं किया, देन यस गाइस, इस समय आपको एक बार अपने डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ डिसेबिलिटीज़ हो। अगर वो अर्ली स्टेज पर पता चल जाती हैं, तो हम उसको सही कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन यस, इतना एटलीस्ट आपको वेट करना है। और अगर ये जो मैंने आपको सारी स्टेजेस बताई हैं, ये स्टेजेस चल रही हैं धीरे धीरे, तो इट मीन्स कि यस, बच्चा अच्छे से माइलस्टोन्स अपने अचीव करता जा रहा है। आज नहीं तो कल आपका बच्चा चलने ही लग जाएगा। और बच्चे का वेट गेन सही होना चाहिए, बच्चा हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तो इट मीन्स कि सारी चीज़ें ओके चल रही हैं। देन डोंट वरी गाइस, एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि बच्चा एक्चुअल में वॉक करना कैसे स्टार्ट करता है। अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है बच्चों के लिए वॉक करना। भाई लेटे पड़े रहने से एकदम सीधे चलना दौड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सो एंजॉय कीजिए हर पल को अपने बच्चे के साथ, एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। द बेस्ट स्टैंड अप, हां वेरी गुड, जंपिंग, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड very good, very good, very good. Oh, so much he stand up. Very good. Chalo, chalo.